अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से एक्सचेंज के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। Hey guys, this is Mamusha back again with another video and you are watching Digital Notice. तो आज इस वीडियो में हम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम इनको कंपेयर करेंगे ऑन वेरियस फैक्टर्स। आई एम श्योर आपने कुछ रिसर्च जरूर की होगी और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें अपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एंड अपनी क्रिप्टो जर्नी को ईजिली स्टार्ट करने के लिए। हम यहाँ सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि बीइंग एन इंडियन हमें आईएनआर में डील करना है एंड अभी कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो आईएनआर को सपोर्ट करता हो। इन फ्यूचर में भी अगर ये सपोर्ट करने लगे तो एक अलग बात है, लेकिन एट द मोमेंट जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी कोई भी इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो आईएनआर को सपोर्ट करता हो। इंडिया में भी अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट इस वीडियो में हम मेन फाइव को ही डिस्कस करने वाले हैं, नेमली वजीरएक्स, कॉइन डीसीएक्स, बिटबीएनएस, कॉइन स्विच कुबे एंड हमारा ज़ेप्पे। तो पांच ये मेन हैं आई गेस, और भी होंगे बट हम मेनली ये पांच ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हम इन्हीं फाइव को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला कंपैरिजन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट क्रिएशन। तो अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सचेंजेस पर ऑलमोस्ट सेम है, सेम डिटेल्स आपसे वो मांगते हैं, बट छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। एंड यहाँ पे अगर फॉर अ बिगनर मैं बात करूँ तो सबसे जो यूज़र फ्रेंडली आई कंसिडर इज कॉइन स्विच कुबे। तो बाकी भी सिमिलर हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो सबसे आसान मुझे लगा दैट इज कॉइन स्विच कुबे फॉर द बिगनर्स। सेकंड कंपैरिजन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केवाईसी वेरिफिकेशन। तो केवाईसी वेरिफिकेशन सारे एक्सचेंजेस पे सेम है, सेम डिटेल्स आपसे मांगेंगे, इंटरफेस में छोटे मोटे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन सेम आपका पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका आपका आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। बट यहाँ पे जो हमें कंपेयर करना है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना टाइम लगाता है आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो मेरा वजीरएक्स का जो अकाउंट है वो काफ़ी पुराना है एंड ज़ेप्पे का उससे भी पुराना है, तो उस टाइम क्या था वेरीफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। मे भी हो सकता है कि उस टाइम एक्सचेंजेस इतने बड़े नहीं थे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैनुअली होती थी तो शायद वो टाइम टेकिंग होती थी। अब आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम लगता है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप में से कोई बिल्कुल इस एक्सचेंज को यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अब वजीरएक्स पे अकाउंट वेरीफाई कराने में कितना टाइम लग रहा है। ऑन द अदर हैंड कॉइन डीसीएक्स में मेरा ज़्यादा पुराना अकाउंट नहीं है, वहाँ पे मैंने अकाउंट वेरीफाई करने की कोशिश की तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगा। इनफैक्ट मुझे एक बार रिजेक्शन आ गया, दूसरी बार मैंने फिर से अपलोड किए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी हो सकता है कि किसी का एक बार में ही और बहुत जल्दी हो जा रहा हो, मे बी विद इन फ्यू आवर्स। तो अपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप प्लीज़ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। कॉइन स्विच कुबे वॉज द फास्टेस्ट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 5 से 7 मिनट लगे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया एंड आई डिड एवरीथिंग विद द फ़ोन कैमरा से जो पिक्चर्स क्लिक करके भेजी, एक जो भी वो उसने मांगी डॉक्यूमेंट्स की एंड ईजिली वेरीफाई हो गया, जैसे मैंने बताया 5 से 7 मिनट। तो यहाँ पे अगर टाइम टेकिंग प्रोसेस की बात करें तो आई गेस कॉइन स्विच कुबेर इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। मगर फिर अगेन मैं बोलूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएशंस, मतलब जो सबके जो एक्सपीरियंस है वो वेरी कर सकते हैं। थर्ड कंपैरिजन हम करेंगे यूज़र इंटरफेस का। तो यूज़र इंटरफेस अगेन सारे प्लेटफॉर्म्स का ऑलमोस्ट सेम है एंड छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, कुछ में फीचर्स के चेंज हैं, कुछ में थोड़ा सा इंटरफेस का चेंज है। एंड अगर हम बात करें फीचर्स की तो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ने एक ही ऐप के अंदर दो सेक्शंस टाइप के क्रिएट किए हुए हैं, एक प्रो
यूज़र्स के लिए, मतलब एडवांस यूज़र्स के लिए एंड जो बिगनर यूज़र्स हैं, न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए. फॉर एग्जांपल जैसे वजीर एक्स में आपका क्विक बाय वाला ऑप्शन है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉर द बिगनर्स. और बाकी का जो ऐप है, यू हैव सर्टन सेक्शंस जहाँ पे एडवांस यूज़र्स के लिए वह है. तो ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस में ऐसा ही मिलेगा. लेकिन CoinDCX ने यहाँ क्या किया है कि दो डिफरेंट ऐप्स हैं, एक फॉर द एडवांस यूज़र और एक उनका CoinDCX Go है जो बिल्कुल बेसिक यूज़र्स के लिए, यानी मतलब जो बिल्कुल न्यू यूज़र्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए वो ऐप उन्होंने बनाया है. नाउ द फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, दैट इज़ द फीस एंड चार्जेस. अब ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ फीस आप ज़रूर लेंगे ही. तो यहीं इन्हीं फीसों को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपसे कितनी फीस चार्ज करता है. जब भी आप विड्रॉ करेंगे अपने फंड्स एक्सचेंज से बैंक में, तो ऑफकोर्स वो आपको कुछ चार्ज करेंगे. जब भी आप ट्रेड करेंगे, एवरी सिंगल ट्रेड पे आपको एक ट्रेडिंग फीस देनी होती है. फर्दर वो कैटेगराइज होती है मेकर में एंड टेकर फीस में, तो हम अभी उस डिटेल में नहीं जाते. मेकर एंड टेकर क्या है वो कभी हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी आप उसको एज अ ट्रेडिंग फीस समझिए. एंड कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जबकि आप जब अमाउंट बैंक से डिपॉजिट करते हैं एक्सचेंज में, तो उसमें भी आपको चार्ज किया जाता है. तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा एक टेबल क्रिएट किया है जहाँ पे आप इन सारी फीसेस को और सारे जो चार्जेस हैं इनको आप कंपेयर कर सकते हैं. एंड इस वीडियो को आप आराम से पॉज करिए, डिटेल में देखिए कि क्या क्या मतलब चार्जेस हैं और कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है कौन सा. जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो शायद सबसे महंगा कॉइन सच कुबेर हमारा है, और आई गेस सबसे सस्ता कॉइन DCX है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ठीक है, तो यहाँ पे आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से रास्ते जाना है. नाउ द लास्ट कंपेरिजन, दैट इज़ सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आई गेस सारे के सारे प्लेटफॉर्म सिक्योर हैं, अभी काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, और कभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कोई इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म हैक हुआ हो या कोई सिक्योरिटी इशू आया हो. ऑलमोस्ट सबके सब सेम सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक 2FA या फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं आपको सब प्रोवाइड किया जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर. तो सिक्योरिटी बेसिस पे आई गेस सबके सब सेम हैं और अभी तक सब अच्छा चल रहा है. मेरा कंक्लूजन इस सारे कंपैरिजन से यह है कि अगर आप यूज़र इंटरफेस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं तो आपको CoinSwitch Kuber के थ्रू के रास्ते जाना चाहिए. अगर आप अकाउंट क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन को भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं तो एंड अगेन CoinSwitch Kuber यहाँ पे फास्टर था. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एवरी टाइम वी ट्रेड हमें कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा फीस का. तो यहाँ पर CoinSwitch Kuber जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स. तो यहाँ पे CoinDCX जो है वो थोड़ा सा सस्ता है बाकी सबसे, जो मुझे लगा. एंड नाउ इट डिपेंड्स कि आपको कौन से रास्ते जाना है, आप क्या चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा WazirX को यूज़ करता हूँ. कोई XYZ उसका ऐसा रीज़न नहीं है, रीज़न इज़ कि वो पुराना है और मैं पहले से WazirX को ही यूज़ करता आ रहा हूँ. Zepay मैं पहले यूज़ किया करता था 2018 तक, उन्होंने फिर अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी, तो आई हैड नो अदर ऑप्शंस. मैंने अपने सारे फंड्स जो थे एक इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिए थे. तो मैं मोस्टली जो ट्रेडिंग करता हूँ दैट इज़ ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज. बट इंडियन एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूं तो WazirX मैं 2018 मतलब जब से आया है, तब से मैं यूज़ कर रहा हूं. आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, और मैं तब से फ़िलहाल उसको यूज़ कर रहा हूं. तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज को चूज़ करने की, अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने की. तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में. फिलहाल के लिए थैंक यू. हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा कंटेंट है वो काफ़ी पसंद आ रहा होगा. एंड इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो. थैंक यू.